हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम कुछ सिखाने वाले हैं प्राकृतिक दृश्य का चित्र सबसे आसान तरीका से कैसे बनाते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला वीडियो। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ आएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से बनाना है हमको पहाड़ नुमा, कुछ इस प्रकार से। तो गाइस, सबसे पहले हमें व्हाइटनी पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, डार्क पेंसिल का यूज नहीं करना चाहिए। जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने व्हाइटनी पेंसिल का यूज़ किया है, जो SB वगैरह है, जो नॉर्मली आप यूज करते हैं अप्सरा की, नटराज की, वही है। इसके बाद हमें नदियों को बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हल्के हाथों से बनाना चाहिए, डार्क नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं इसको भी। इसके बाद गाइस, हमें कोई भी डार्क पेंसिल का यूज़ कर लेना चाहिए, जैसे 10B वगैरह, या आपके पास कोई भी चारकोल पेंसिल है, सॉफ्ट, हार्ड, नार्क, कोई भी हो, तो आप उससे डार्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा डार्क होता है। तो फिलहाल हमने चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल यूज कर रहा हूँ, तो कुछ इस प्रकार से होगा ये भी। तो चलिए कर लेते हैं इसको। देन गाइस, हमें सूर्य बना लेना चाहिए पहाड़ों के बीच से, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसको भी डार्क कर लेते हैं। इसके बाद आप चाहें तो कुछ ट्री वगैरह बना सकते हैं। तो फिलहाल हमने नारियल का पेड़ बनाया है यहाँ पे, तो आप भी कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें व्हाइटली बनाना है, डार्क नहीं बनाना है। तो इसके बाद हमने पत्तियों को निकाल दिया है दोनों साइड से। इसके बाद डार्क कर लेते हैं इसको, और आप चाहे तो कुछ फल भी बना सकते हैं इसके अंदर, जो हमने बनाया है इस वीडियो में। इसके बाद पत्ती को बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो चलिए बनाते हैं इधर के भी वैसे ही। तो गाइस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक घर भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले हमने अप्सरा की पेंसिल यूज़ किया है यहाँ पे वाइटली ही, इसके बाद हमने डार्क पेंसिल का यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले इसको बना लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो गाइस, घर बनाना काफ़ी आसान होता है, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस करते रहिएगा कंटिन्यूसली। इसके बाद हम इसको डार्क कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बना लेते हैं इसको पूरी तरह से। इसके बाद गाइस, हमें सेट करना है, शेडिंग करना है इसको पूर्ण रूप से, तभी अट्रैक्टिव दिखाई देगा ये। तो सबसे पहले हमने किनारे की तरफ से सेट किया है, इसके बाद बीच के हिस्से को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डार्क पेंसिल का यूज किया है शेडिंग करने के लिए कुछ इस प्रकार से। तो आप भी चाहे तो कोई भी डार्क पेंसिल का यूज करके इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद गाइस, ब्लेंडिंग के लिए हमने ब्लेंडिंग स्टम्प पेपर का यूज किया है, जो फिलहाल इस वीडियो में देख रहे हैं आप। अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प पेपर नहीं है तो आप कोई भी ब्रश का यूज कर सकते हैं, पेंटिंग ब्रश का। तो फिलहाल हमने पेंटिंग ब्रश का यूज किया है अभी, आप भी चाहे तो ऐसे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रश है तो। तो चलिए इसको सेट करते हैं बढ़िया से। इसके बाद इसको वैसे ही सेट करेंगे जैसे हमने इसको सेट किया है। तो सबसे पहले हमने डार्क पेंसिल का यूज़ किया है किनारे किनारे साइड पर, इसके बाद ब्लेंडिंग स्टम्प पेपर से स्टम्प ब्लेंड कर दिया इसको।
देन हमने ब्रश का यूज किया है, तो चलिए ब्रश का भी यूज कर लेते हैं इसमें भी, वैसे ही जैसे हमने इधर इस साइड किया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पेंटिंग में देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इस वीडियो को पेंटिंग में देख सकते हैं, जिसको हमने काफ़ी अच्छी तरह से पेंट किया है इसको। इसके बाद गाइस हमें सूर्य को पेंट कर लेना चाहिए, सेट कर लेना चाहिए इसे ही, तो चलिए इसको भी सेट कर देते हैं। उसके बाद आप चाहें तो नदियों को भी सेट कर सकते हैं, तो वैसे ही ठीक। तो चलिए सबसे पहले हमें किनारे किनारे के साइड को ही सेट करना है, बीच के हिस्से को नहीं सेट करना है, आप वैसे भी छोड़ सकते हैं लेकिन किनारे के हिस्से को आप सेट कर दीजिएगा बढ़िया से। तो चलिए इसको सेट कर देते हैं अच्छी तरह से। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।